हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वास्तु विचार विद धीरज मिड्डा में। दर्शकों, आज का जो टॉपिक है वह है अपना खोया हुआ प्यार कैसे प्राप्त करें। यदि आपके जीवन से लव रोमांस खत्म हो गया है, हो सकता है आप शादीशुदा हो सकता है आप बैचलर हो, यदि आपको लगता है कि आपके साथ आपका जो प्रिय, चलिए आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध हो सकता है। यह अगर आप बैचलर हैं या आपके कोई प्रेमी प्रेमिका है या फिर आप शादीशुदा हैं, आप सभी को इन वास्तु के नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में प्रेम मोहब्बत लव प्यार हमेशा बना रहेगा आपके और आपके पार्टनर के बीच में। तो दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घर बैठे ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। दर्शकों, जब आप घंटी का बटन दबा देते हैं और उसमें भी ऑल नोटिफिकेशन का जो सिंबल है उसे क्लिक कर देते हैं तो हमारी जितनी भी वीडियोस होती हैं वे आप तक सबसे पहले पहुंचती हैं, जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पर या जब हम लाइव होते हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है। कार्यक्रम पसंद आता है तो लाइक किया करें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए टॉनिक का काम करता है। आपके एक लाइक से हमारा इतना मनोबल बढ़ जाता है कि आपके लिए हम रोजाना ढेर सारी टिप्स लेकर आते हैं, जिससे आप अपने जीवन को बदल सकें। आपकी कोई भी समस्या है, कैसा भी आपको परेशानी है, आप वास्तु के द्वारा और ज्योतिष के द्वारा उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और खुद से ही ज्योतिषी बन सकते हैं, खुद से ही वास्तु एक्सपर्ट बन सकते हैं। बहुत इजी सब्जेक्ट है ये, जरूरत है सिर्फ समझने की और समझाने की। समझाने के लिए हम आपके पास हैं, हम आपको समझाएंगे। और यदि आपको कोई प्रश्न होता है, कोई कंफ्यूजन होती है वीडियो को देखते समय, आप कमेंट किया करें, आपके प्रश्न को लेने का प्रयास किया जाएगा। हो सकता है लाइव में ले लें या फिर हो सकता है अगली वीडियोस में उसकी जानकारी आपको दी जाए। चलिए, समय ना बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने जीवन में खोया हुआ प्यार, यानी कि अगर लव रोमांस में कमी हो गई है, आपकी मैरिटल लाइफ ठीक नहीं चल रही है, आपका दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं चल रहा है, या आपको कोई प्रेमी प्रेमिका आप चाहते हैं आपको वह मिल नहीं रहा है, तो क्या करें? दर्शकों, सबसे पहले तो आपको हमारे जीवन में जो भी समस्या आती है उसका समाधान वास्तु और ज्योतिष में है। तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं वास्तु की, तो वास्तु को देखिए अपने घर में या जहां कहीं आप अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। एक इंसान अपना सबसे ज्यादा समय अपने घर पर रहता है या फिर अपने वर्क प्लेस पर रहता है। अगर इन दोनों क्षेत्रों का वास्तु ठीक नहीं है, इम्बैलेंस है, यानी कि संतुलित नहीं है, तो भी आपके जीवन में असंतुलन आ जाता है, आपको किसी न किसी क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो हो सकता है वह क्षेत्र आपका प्रेम मोहब्बत का हो, लव रोमांस का हो, आपकी मैरिटल लाइफ हो। दर्शकों, दक्षिण पश्चिम का जो क्षेत्र है वह प्यार का कोना कहते हैं फेंग शुई में भी, और हमारे वास्तु में भी पृथ्वी तत्व को, पृथ्वी तत्व जो है, जो हमारी रिलेशनशिप है, जो हमारा स्थायित्व है, वह साउथ वेस्ट है। यदि आपका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब हो जाता है तो आपके अंदर भी असंतुलन आ जाता है, आपकी जो वृत्ति है वह टिकती नहीं, आप भी लाइफ में स्टेबल नहीं हो पाते, तो कोई ना कोई समस्या घेरती रहती है। तो सबसे पहले अपने घर का, अपने ऑफिस का, अपने वर्क प्लेस का साउथ वेस्ट देखें, कहीं वो तो डिस्टर्ब नहीं है। आपको अपने साउथ वेस्ट को ठीक करना है, आपने अपने साउथ वेस्ट को एक्टिवेट करना है। हो सकता है कि आपकी आपकी वैवाहिक जीवन आपका चल रहा है लेकिन उसमें कोई लव रोमांस नहीं है, तो देखें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होगी आपके बेडरूम में। जैसा कि आप जानते हैं कि बेडरूम को हमेशा जो मास्टर बेडरूम है वह साउथ वेस्ट में ही बनाना चाहिए। तो साउथ वेस्ट में आप रह रहे हैं और वहां पर आपकी लव रोमांस खत्म हो रही है, तो वहां देखें कुछ और डिस्टर्बेंस तो नहीं आया हुआ है। अभी आपको पॉइंट दर पॉइंट बताया जाएगा कैसे आप अपनी लव लाइफ को ठीक कर सकते हैं। साउथ वेस्ट तक पहुंच गए आप, साउथ वेस्ट को आपने एक्टिवेट करना है। यदि आप बैचलर हैं तो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, आप किसी से प्रेम करते हैं उसको गेट करने के लिए, उसका प्रेम प्राप्त करने के लिए आपको साउथ वेस्ट को एक्टिवेट करना चाहिए। कैसे करेंगे? लाल रंग का लैंप शेड आप अपने साउथ वेस्ट में, बेडरूम के साउथ वेस्ट में जरूर जलाएं, इससे आपको बहुत अच्छी ऊर्जा प्राप्त होगी, आपका साउथ वेस्ट एक्टिवेट होगा, प्यार का कोना आपका एक्टिवेट होगा और आपको लाभ मिलेगा। यह फेंग शुई का भी एक छोटा सा सिद्धांत है, ऐसा करने से आपको लाभ मिलता है। दूसरा, साउथ वेस्ट आपने जगह देख ली, वहां पर आपने बेडरूम भी बना लिया लेकिन अभी भी लव रोमांस में कमी चल रही है, तो देखें किसी भी क्षेत्र से आपने जब, मतलब क्षेत्र क्या, मतलब जो भी आपका कोना है जहां आपने बेड लगाया हुआ है, तो क्या आप सही दिशा में सोते हैं? यदि सही दिशा में नहीं सो रहे हैं, यानी कि आपका सोते समय अगर आपका जो सिर है
वह उत्तर की तरफ है तो भी आपको डिस्टरबेंस होती है, तो भी आपकी लाइफ के अंदर एक अनस्टेबिलिटी आती है। आपको हमेशा जब भी सोना है तो आपके सिर के पीछे, मतलब सिर आपने दक्षिण की दीवार की तरफ रखना है, यानी दक्षिण की तरफ रखना है, दक्षिण दिशा की तरफ। काफी लोगों की दिक्कत होती है कि उनके घर में सेटिंग ऐसी होती है बेड की कि वह दक्षिण में नहीं कर सकते, बेड तो लगा हुआ है उत्तर की तरफ, अब सोना दक्षिण की तरफ है तो वह उल्टे सोने का प्रयास करते हैं, यानी कि जहां पर बेड का हेडबोर्ड होता है वहां नहीं सोते, जहां पर पैर आते हैं वहीं पर अपना सिर रखते हैं और हेडबोर्ड की जगह अपने पैर रखते हैं। उससे भी जो खाली स्थान होता है वहां पर वैक्यूम क्रिएट होती है और आपको सारी रात नींद भी नहीं आती और आपके लिए परेशानी बनती है। तो बेडरूम के जितने भी दोष होंगे ना, वो आपके लव रोमांस को भी समाप्त करेंगे, आपकी नींद को भी, आपके भोग को भी सब समाप्त करेंगे, तो उनको देखना ज्यादा जरूरी है। रंगों की बात करें तो रंगों में साउथ वेस्ट के अंदर आपको खास तौर पर नीला और काला रंग प्रयोग नहीं करना है, ग्रे शेड बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो डिस्टरबेंस हो जाएगी रिलेशनशिप के अंदर। आपको लाल रंगों का प्रयोग करना चाहिए, गुलाबी रंगों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो आपके कर्टन्स हैं, चाहे वो आपकी बेडशीट है, उससे आपके लव रोमांस में वृद्धि होगी। अब वास्तु के अनुसार एक नियम आपने और भी ध्यान में रखना है। दर्शकों, यदि आपके कोई प्रश्न साथ साथ आपके अगर दिलो दिमाग में आ रहे हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न को भी लेने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, अभी कोई नहीं है प्रश्न, तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने साउथ वेस्ट जोन की। यहां एक छोटी सी बात आपको और बता देते हैं कि आपको अपने दक्षिण पश्चिम भाग में ही दो की संख्या में एक गुलाबी रंग के क्रिस्टल आते हैं, वो आपको रखने चाहिए, उससे भी लव रोमांस में वृद्धि होगी, आपको आपका प्रेम प्राप्त होगा। साउथ वेस्ट में ही आपने कोशिश करनी है कि आप प्रेमी परिंदे, लव बर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं, उनकी सीनरी पेंटिंग या फिर कोई उनकी स्टैचू आप लगा सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा, इससे भी आपको एक जो बाउंडिंग है आपकी बीच की वह आपकी बढ़ेगी, जो घट रही है बाउंडिंग वह बढ़ना शुरू हो जाएगी। करके देखने से लाभ होगा दर्शकों, सुनने मात्र से कोई फायदा नहीं है, सुन लिया और किया नहीं तब भी आपने कोई फायदा नहीं होगा उससे। अपने समीप आपको फूलों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, यानी कि जैसे कि रेड रोजेस रहते हैं, आप उनके समीप रहेंगे, आपके अंदर एक लव रोमांस की भावना जागृत होगी। इवन जब आपके अंदर वो चार्मिंग जागृत होगी, जो आपको देखेगा, जो आपके समीप रहते हैं, जो आपसे थोड़ा सा भी इंटीमेसी में, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। दर्शकों, वास्तु शास्त्र के अनुसार जब भी आपने अपने, खास तौर से एक समस्या और भी आती है, खास तौर से पार्टनर्स के बीच में, पति पत्नी के बीच में, कि जैसे ही बेडरूम में आते हैं पूरा दिन ठीक से निकल जाता है, जैसे ही बेडरूम में आते हैं उनकी तूतू मैमे शुरू हो जाती है, उनकी आपस का कलह कलेश शुरू हो जाता है। दर्शकों, ऐसे में आपको कपूर जलाना चाहिए अपने बेडरूम में, कपूर की धुनी देनी चाहिए, ऐसा करने से आपको लाभ मिलता है। दर्शकों, काफी समय हो गया, अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।